जी गुरु जी में मैं वर्षा आज फिर से आपके लिए एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लेकर के आ गई हूँ। आज की वीडियो में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम MBA एग्जाम के बारे में बात करेंगे, फिर कौन कौन सी जगह पे कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा अच्छा है उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा कैट के एग्जाम के बारे में जान लेते हैं। कैट जिसे की कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट भी हम कहते हैं, इस एग्जाम में आपका जो पेपर लेवल होता है वो सभी MBA के लेवल में सबसे टफ पेपर का लेवल कैट का माना जाता है और यहाँ से आपको इंडिया के सभी टॉप इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन भी प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ तक कि कैट में अगर आपकी रैंक थोड़ी कम भी है तो आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स भी बहुत प्यार से एडमिशन देते हैं और बहुत ही अच्छा पैकेज भी लगता है। कैट क्वालिफाई कर जिन जिन कॉलेजेस में बच्चे जाते हैं वहाँ उनकी प्लेसमेंट इंडिया के बाहर भी लगती हैं, अब्रॉड और इंडिया की सभी टॉप कंपनीज में वो लोग जाते हैं। तो ये हो गए आपके कैट के बारे में कि कैट एग्जाम किस चीज़ का है, MBA का एग्जाम है ये MBA करवाने के लिए और क्या इसकी खासियत है। अब बात करते हैं इसके पेपर पैटर्न के बारे में। इसमें आपका रीजनिंग आता है, एप्टीट्यूड आता है, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये आता है। टोटल 3 सेक्शन आपके इसमें आते हैं। इसके अलावा आपका यहाँ पर जो मेन पेपर होता है वो एप्टीट्यूड टेस्ट ये कहलाता है, इसलिए ये तीनों सेक्शन इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर बहुत ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जाने से पहले आपको ये बता दूँ कि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी है। इस पेपर में आपको सही आंसर के +3 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के -1 मार्क्स मिलते हैं, यानी 33% या 0.33 की नेगेटिव मार्किंग इसे हम कह सकते हैं। और मैं आपको हमेशा से एक चीज़ कहती आई हूँ कि जिन भी पेपर में नेगेटिव मार्किंग है उनमें प्लीज़ क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करने से बचिए, तुक्केबाजी लगाने से बचिए, क्योंकि यहाँ पर आपका नुकसान सिर्फ 0.33 मार्क्स का नहीं, यहाँ पर आपका नुकसान 1.33 मार्क्स का है। यानी कैट के पेपर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो यहाँ आपका 4 मार्क्स का नुकसान है, यानी जो मिलने वाले 3 मार्क्स थे वो तो गए ही गए, साथ के साथ 1 मार्क और चले गए बिकॉज उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग हो गया। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए और इस पेपर को पूरे फोकस के साथ अटेम्प्ट कीजिए। दोस्तों आगे जाने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जहाँ हमने सभी इंस्टीट्यूट के बारे में इन डिटेल जाना है, जहाँ हर टॉप रैंकिंग की इंस्टीट्यूट के बारे में एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको बताई हैं, और उसके अलावा हर इंस्टीट्यूट के बारे में इन डिटेल्ड वीडियो भी हम अपलोड कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि कौन सी रैंक पर कौन सा इंस्टीट्यूट है आपके अपने शहर में इस एग्जामिनेशन के लिए, और हर इंस्टीट्यूट की इन डिटेल्ड वीडियो हमारे पेज पर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक सिंगल वीडियो जिसमें सभी रैंकिंग के बारे में उनकी छोटी खासियत, शॉर्टकट डिटेल्स, फी स्ट्रक्चर सब कुछ हमने उसमें एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। पढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए आ गई हूँ मुंबई की एक और बहुत ही फेमस लोकेशन बोरीवली में। जी हाँ, बोरीवली जो कि मुंबई से थोड़ा दूर है। मुंबई में बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन के लिए ट्रैवल करते हैं बोरीवली से, जिसमें आपका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। बोरीवली से ग्रेटर मुंबई तक ट्रैवल करने में लगभग आपके 3-4 आवर्स का ट्रैवल टाइम चले जाता है, जो आप अपने प्रिपरेशंस में लगाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो जितने भी लोग बोरीवली में कैट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं उन लोगों के लिए हम बोरीवली के ही बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और उनकी बेस्ट डिटेल्स लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये कुछ मिनट की वीडियो आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेगी, बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कैरियर लॉन्चर की। कैरियर लॉन्चर रैंक नंबर 3 का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है नवी मुंबई में इस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इनके फीचर्स की बात करें तो इनके फीचर्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। ये इंस्टीट्यूट आपको बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छे, बहुत ही ब्यूटीफुल वे में पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको ट्रिक्स सिखाई जाती है कि किस तरीके से आप रीजनिंग या एप्टीट्यूड को क्लियर कर सकते हो। जितने भी ऐसे आपके पेपर होते हैं जो कि एप्टीट्यूड बेसिस होते हैं वो सभी आपके डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं सॉल्व हो सकते, क्योंकि इनमें आपका टाइम बहुत कम होता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। पहले यहाँ पर आपको बेसिक तैयारी करनी पड़ती है,
बेसिक तैयारी में आप हर क्वेश्चन के बारे में इन डिटेल जानते हो कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रिक सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। इस वे में इसकी प्रिपरेशन होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है। इस टेस्ट सीरीज के बेसिस पर आप अपना रियल एग्जाम का एनालिसिस देख सकते हो कि किस तरीके से पेपर होता है। रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस आपको प्रॉपर यहाँ मिलता है। इसका रिजल्ट आपको अगले दिन दिया जाता है। साथ के साथ यहाँ पर आपको आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स, जो वीक पॉइंट्स हैं, वो भी आपको समझाए जाते हैं। किस तरीके से इनको आपको इम्प्रूव करना है और कैसे इनसे ज्यादा अच्छे मार्क्स निकलवाने हैं, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो, इनके बारे में समझ। तो दोस्तों, इनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप इन्हें विजिट कर सकते हो, आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हो। हमारे पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारी आज की वीडियो देखने के लिए। हमारी वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर के आते रहते हैं। साथ के साथ बेल बटन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे एक नए एग्जाम की, एक नई लोकेशन की। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।